युवा मुस्लिम संगठन के बैनर तले दुर्ग में एक दिवसीय जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, जिसमें मुस्लिम समाज के धर्मगुरु सैयद मोहम्मद राशिद मक्की मियां की चौचा ने कौन से खिताब फरमाया। युवा मुस्लिम संगठन के द्वारा बुधवार की रात दुर्ग के केलाबाड़ी मुस्लिम सांस्कृतिक भवन में एक दिवसीय जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कौम से खिताब फरमाने की चौचा शरीफ से सैयद मोहम्मद राशिद मक्की मियां अशरफी उल जिलानी ने तशरीफ फरमाई। गौरतलब है कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु अपने दो दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुंचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। वह दुर्ग शहर में उनके विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, जिसमें दुर्ग बस स्टैंड में धर्मगुरु के पहुंचते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एवं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर युवा संगठन के द्वारा हजरत के काफिले को शहर का भ्रमण कराते हुए दुर्ग केलाबाड़ी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। इसके बाद हजरत के द्वारा जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस के आयोजन में मुस्लिम समाज के बीच खिताब फरमाते हुए अपनी तकरीर पेश की और आखिर में देश में अमन खुशहाली की दुआ की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ मुस्लिम समाज के धर्मगुरु सैयद मोहम्मद राशिद मक्की मियां ने अपना संदेश दिया। हम मुस्लिम समाज को इस बात का संदेश देंगे, वो मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें और किसी तरह की कोई गलत भावना अपने दिलों में न रखें, और जैसा वो अपने बारे में विचार करें दूसरों के बारे में, जैसा अपना ख्याल करें दूसरे, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हमसे है। जाहिर सी बात है कि जब हमसे है तो हाँ से हिंदू माँ से मुस्लिम दोनों मिल करके आगे बढ़ें तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, देश भी बढ़ेगा, माहौल भी अच्छा होगा, वातावरण भी अच्छा होगा। यही हम संदेश पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को देना चाहते हैं जो भी यहाँ रहते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में आले रसूल हजरत मक्की मियां हम सबको यहाँ पर एक संदेश देने के लिए उपस्थित हुए हैं, और उन्होंने अभी बहुत अच्छी बात कही। देश हमेशा हम में चला है, हाँ से हिंदू माँ से मुस्लिम, और बस हम उनके अनुयायी हैं, उनके संदेश को आम जन तक पहुँचाएं और सद्भावना भाईचारा से जो हमारा देश चल रहा है उसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं, तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।